Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा आसमां है, इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी मैं दीवानी हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह जे आवाज़ में अवां सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार कयां थी। अॼु 23 मार्च 1940 जे हवाले सां स्पेशल ट्रांसमिशन में असां जेके बि ॾिसंदड़ पाकिस्तानी भाउर भेनरूं जेके न सिर्फ़ु असांखे पाकिस्तान में ॾिसनि पिया, पाकिस्तान खां ॿाहिरि ॾिसनि पिया, उन्हनि सभिनी खे अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां मुबारकबाद बि पेश कयूं था। छाकाणि त अॼु उहो ॾींहुं आहे, तक़रीबन 72 साल गुज़री चुका आहिनि जो अॼु असीं आज़ादी सां साह खणी रहिया आहियूं, आज़ादी सां पंहिंजे ऑफिसिस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजिस में वञूं था। अॼु मां अगरि हिते मौजूदु आहियां ऐं तमामु ख़ुशि इख़लाक़ हिकु ख़ुशि मूड में आहियां त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इन ॾींहं जी वजह सां, छाकाणि त अॼोको ॾींहुं अगरि न अचे हा त शायदि असां ॿिया जेके असांजा इवेंट ईंदा आहिनि उहे बि असां सेलिब्रेट न कयूं हा। छाकाणि त 1940 में ऐं 23 मार्च ते जॾहिं ठहराउ पेश कयो वियो, क़रारदाद मंज़ूरु थी, बाक़ाइदा पाकिस्तान जो क़याम थियो, त अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां असांजी क़ौम जा उहे हीरोज़ जिन बाक़ाइदा अंथक महिनत सां पंहिंजे जेको पाकिस्तान जी अगरि मां ॻाल्हि कयां त साहिब इल्म सर सैद अहमद ख़ान हुजनि, या वरी साहिब फ़िक्र अलामा इक़बाल साहिबु हुजनि, या वरी साहिब अमल क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जना छुने हुजनि, उन्हनि सभिनी जी अंथक महिनत जो नतीजो त आहे ई, पर असांजी क़ौम जा उहे हीरोज़ जिन जी वजह सां असां पंहिंजे घर में सुकून सां जीउ सघूं था, सुम्ही सघूं था, जेके बॉर्डर ते बीह करे असां लाइ हेॾी महिनत कनि था ऐं पंहिंजी जान जी परवाह नथा कनि, त उन्हनि सभिनी खे मिली करे अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां भरपूर भेटा पेश कंदासीं। अवां सभिनी खे हिकु दफ़ो ॿीहर आऊं भलीकार कयां थी सुबुह जे आवाज़ में स्पेशल ट्रांसमिशन में, ऐं अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां तमामु बहितरीन पर्सनैलिटीज़ असांखे जॉइन कयो आहे ऐं अञा बि वक़्तनि बि वक़्तनि असांखे जॉइन कंदियूं रहंदियूं, त उन्हनि महिमाननि जो तारुफ़ मां असां कराईंदमि ऐं हिकु आवाज़ टीवी जो सुबुह जो आवाज़ जो हिसो ई आहिनि, असांजा फैमिली मेंबर आहिनि हाशिम साहबु, उहे बि असां सां गॾु ई मौजूदु आहिनि, ऐं उनखां अलावा जेके महिमान आहिनि उन्हनि जो थोरो सरप्राइज़ रखूं था। पर उनखां पहिरियां छाकाणि त जीअं चइबो आहे न त जेके कुझु शयूं इलाही ख़ासि हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि सां ई असांजो जेको आहे प्रोग्राम जो तावन हूंदो आहे, त ख़ुशी महसूसु थींदी आहे। त मॉर्निंग शो जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायां त सुबुह जे आवाज़ में असां सां तावन कयो आहे टेंग रमदान, जेस बैंक, गोल्ड फाइनेंस ऐं उनखां अलावा टपाल मेज़बान 100 जबालो, उनखां अलावा 4ME सोप असां सां तावन कयो आहे, लाइफ बॉय शैम्पू असां सां तावन कयो आहे ऐं अंसरी रेज़िडेंसी महिराण बचत पेक पारां असां सां तावन कयो वियो आहे। त तव्हांखे वधीक इंतज़ारु नथा करायूं ऐं असांजा जेके मोज़िज़ महिमान जेके स्टूडियो में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि जो मां तव्हां सां तारुफ़ कराइणु वञा पई ऐं उन्हनि सां भरपूर कंदासीं ॻाल्हि ॿोल, न सिर्फ़ु उन्हनि जी ज़िंदगी ऐं उन्हनि जे नंढपण जे हवाले सां त अॼोके ॾींहं खे उहे पाण कीअं सेलिब्रेट कंदा हुया ऐं जेके असांजा हीरोज़ आहिनि उन्हनि खे उहे कहिड़े नमूने सां भेटा पेश कंदा। सो वेलकम कयूं था, सभ खां पहिरियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु आहे नई मेवाण साहबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम सर, कीअं आहियो? ठीक आहियो? अलहमदिल्ला, मुबारकबाद पेश कयूं था तव्हांखे अॼु। तव्हांखे बि मुबारकबाद, तव्हांजी टीम खे, सॼे पाकिस्तान खे, पूरी दुनिया में रहने वाले तमामु जो मुसलमान है सबको आज का दिन मुबारक हो। ख़ैर मुबारक आपको भी। और उनखां अलावा व्यूअर्स, हिकु ॿियो महिमान तमामु ई मौज़िज़ शख़्सियत आहिनि ऐं उन्हनि जो तालुक़ु PTI सां आहे, मुज़फ़्फ़र शुजा साहबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम साहब, कीअं आहियो सर? ठीकु ठाक आहियो सर? अव्हांखे मुबारकबाद पेश कयूं था तमामु ई जेको ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे इन जी मुनासिबत सां। तव्हां सभिनी खे मुबारक, पाकिस्ताननि खे मुबारक, सॼी दुनिया जे दोस्तनि खे मुबारकबाद, छो त अॼु जो ॾींहुं जेको आहे हिकु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, करंदड़ पाकिस्तान अॼु जे ॾींहं ते पेश कई वई, जेका हिकु वॾी ॻाल्हि आहे जंहिं ते अॼु असां ख़ुशी जो साह खणी सघूं था। बिल्कुलु, तमामु बहितरीन। ऐं नई महिमान साहब ऐं मुज़फ़्फ़र शुजा, तव्हां ॿिन्हिनि जी जेको आहे इजाज़त सां असां हलंदासीं। असांजे फैमिली मेंबर तमामु बहितरीन सिंगर आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे सुञाणो ई था, ऐं जीअं मां आगाज़ में ई चई चुकी आहियां त असांजी फैमिली जो हिसो ई आहिनि। त अस्सलामु अलैकुम अदा, कीअं आहियो? तव्हांखे मुबारकबाद पेश कयूं था। अच्छा अदा, छाकाणि त मां चाहियां पई त छो न पाण आगाज़ में ई मिली नगमो थी वञे, छाकाणि त ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे, ख़ुशियुनि भरा जेके लम्हा आहिनि इन्हनि खे अञा वधीक जेको आहे चार चंड लॻी वेंदा अगरि असां आगाज़ ई मिली नगमे सां कयूं। बिल्कुलु,
ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे जबरदस्त तमाम खूबसूरत न सिर्फ हाशिम भाउ जो आवाज़ खूबसूरत आए पर जो मिली नगमो एडो खूबसूरत अंदाज में पेश क्यों खुशी जो इजहार उन वक्त दिठो पाकिस्तानी झंडे के लहराई रही हुयस तमाम जबरदस्त काबिल एहतराम ता आयो काबिल तारीफ भी आयो छाकाण त नई मेहमान साहब आज
मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी कि हमें ये एहसास, ये खूबसूरत एहसास कि हम पाकिस्तानी, ये हमें फ़ख्र महसूस होता है। तो आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए एक बड़ी प्राउड वाली बात है, और क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस था फ्लैग के अंदर यहाँ से, मैं वरना खुद भी वहाँ से ले लेता। नहीं, ज़रूर आपको मैं दे दूँगी। और जितना खूबसूरत अंदाज से एक अच्छे सॉन्ग से जो है वो इफ्तिताह किया पूरे शो को। असल बात यह हमें समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने इस मुल्क की कुर्बानियाँ, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, और आज अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान 27 रमजान जुमे के दिन वजूद में आना और कलमे के नाम से वजूद में आना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। पूरी दुनिया के अंदर वाहिद ऐसी एक रियासत जो कलमे के नाम से वजूद आती है, और जिसकी बुनियाद जो है वो 23 मार्च 1940 के अंदर जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है, और दो नज़रिए के ऊपर जो है वो उस दरमियान उस टाइम पर 27वें इजलास के अंदर फैसला कर लिया जाता है कि जो है वो हम किस डायरेक्शन में हमें जाना है। और उस अगर मैं बात करूँ 23 मार्च को के पीछे प्रीवियस चली जाएँ तो 19 मार्च को जो एक तसादम होता है लाहौर के अंदर, और जिस तरीके से वहाँ 313 लोगों पर जो है वो वहाँ की जो पुलिस, वहाँ की जो उस वक्त की जो अंग्रेज़ की रियासत थी वो तसादम कराती है, लेकिन हौसले उस वक्त भी बुलंद रहते हैं। और उस वक्त कितने लोग ज़ख्मी होते हैं, कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, शहादतें अपनी देते हैं, उसके बावजूद इजलास जो है मुलतवी नहीं किया जाता। और इजलास में जो फैसला होता है, फैसले के अंदर जो चीज़ें तय कर दी जाती हैं, आज उसी की बुनियाद है आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर यहाँ मौजूद हैं। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आज जो मुल्क हमें अल्लाह पाक ने 27 रमजान को अता किया है, इसका हमने खुद केयर करनी है, इस मुल्क की बाहसियत कौम बन के इसकी केयर करनी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो है वो इस मुल्क को कौम बना के हमें तो दिया, लेकिन बदकिस्मती हम मजूम बन गए इस मुल्क के अंदर। जब तक हम कौमें नहीं बनेंगे, कौम नहीं बनेंगे, जब तक इस मुल्क की तकदीर चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें आपको सबको मिलजुल के ये जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, तेलिफ नून तान बलोचिस्तान, ये खूबसूरत बनता है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ हमें जब बांट दिया जाता है जिस तरीके से, तू सिंधी है, तू महाजर है, तू पठान है, तू बलोच है, तू सरायकी है, तू हजारे वाले, तो इसके अंदर होता ये है कि हम कौम नहीं बन पाए, हम अभी तक बंटे हैं। तो हमें बजाय बंटने के, हमें हजूम बनने के बजाय हमें कौम बनने की जरूरत है, क्योंकि आगे हमें मतलब ये जैसा कि आपने कहा कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सबसे पहले यही कहा था अपनी जो 11 अगस्त को उनकी अगर आप स्पीच सुन लें तो हम एक ही हैं यहाँ पे, हर मज़हब का एहतराम किया जाएगा। मुजफ्फर शुजरा साहब मतवान की तरफ इंदम, छाकाण तो पाकिस्तान जडे का आज़ाद थे, अज तकरीबन 72 साल गुजरी चुका है, तो अवं कें था ऐसो इन खूबसूरत लम्हन के जितनी तहजी लाइफ जो तजुर्बो रो है, छाकाण तो पाकिस्तान की तमीर तरक्की की तरफ अचण का पे तुम सागे सवाल कदम त अजोके डी की मुनासिबत के तुम कें था ऐसो अजोको डी अस खुशी जो डी है, खास कर एक तो सिंधी कौम जो आयो पैर ही हजूर सलम के जमाने का वी अस मुसलमान थी रहा, अस दिल नरम हुई तमाम घड़ी, अस जज्बो हो। वो कायदे आज़म साहब जैसे ब कौमी नजीर जो पेश कियो तो सिंध सब का पेरों लबैक करारदार सिंध असेंबली एक पास कई जैमें रेजोल्यूशन पास कर जैमें पाकिस्तान की हिमायत कई वही अड़े नमूने से असा तो जितो खुश आयो एतो खुश आयो पाकिस्तान ठाण से, छो जो बेसिकली जैसे कायदे आज़म साहब मेहनत न करे ब कम नजर जो नाचे हा 1947 असेंबली आई वह डिजॉल्व थी, उन वरी हिंदू जो ख्याल हो तो अस अड़े नमूने से पेश थे तो जो गड रही कर हुक्मरानी अस उन कायदे आज़म साहब चाहिए तो न अस जैस त मुसलमान के पैंजा हक ना दिना वन तेस तक यो जो तमल काबिल कबूल कुना है। ए उन जिदोज शुरू थी 1940 में लाहौर में वो जलसो थो तकरीबन 1,00,000 मू जमा थे उत कायदे आज़म साहब ऐलान किया पाकिस्तान अस खे तो पाकिस्तान के लिए अस जिदोजहद कही है पाकिस्तान अज का अस मुसलमान जो एक मुल्क हों जैसी जोग्राफी पाँगी सुप होंगी ए कौमी सुप होंगी अस मजहबी सुप होंगी इन कर अस पाकिस्तान जरूरी है। उन अलहमदुल्ला 1947 में पाकिस्तान आज़ाद थो
आज़ाद थियण खां पोइ असां हाणे पंहिंजो ख़ुशियूं मल्हायूं पिया। असां नंढे हूंदे जॾहिं स्कूल वेंदा हुआसीं त अॼोके ॾींहं ते तव्हांजे अॼु झंडा पियल रहिया। असां बि स्कूल में ॻोठ में ॻोठणा हूंदा हुआसीं, ॻोठनि में छो त लिमिटेड हयाती हूंदी आहे, लिमिटेड हयाती खां पोइ बि हीउ झंडो मिलणु उते ॻोठ में ॾाढो मतिलबु हिकिड़ो वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। त असां नंढिड़ा हूंदा झंडा खणी पोइ असांजो उस्तादु असांखे बिहार खे ड्रिल कराईंदो आहे, असां पाकिस्तान लाइ ख़ुशि, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बाक़ाइदा केॾी तयारी कई वेंदी हुई नईम साहब, छाकाणि त नंढे हूंदे त सिर्फ़ु ईअं न हूंदो न, सिर्फ़ु झंडा लहिराईंदा हुआसीं, असां बेज वठंदा हुआसीं, उन ई कलर जा असांखे सावा ऐं अच्छा कपिड़ा पाइणा हूंदा हुआ। शुरू ज़माने में तव्हां नंढा आहियो, पर शुरू साल ज़माने में बेज बेज कोन हूंदा हुआ, हीउ झंडो ई वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। हिकिड़ो झंडो माण्हू खे मिलणु वॾी ॻाल्हि हूंदो, छो जो माण्हुनि जो झंडे सां एतिरो प्यारु हूंदो हद खां वधीक, ऐं झंडे खे ॾिसी माण्हू ॾाढा ख़ुशि थींदा हुआ, ऐं नंढा असां छोकिरा नंढा छोकिरा त वधीक ख़ुशि थींदा हुआसीं जॾहिं हिन झंडे खे लहराईंदा हुआसीं। बिल्कुलु, इन करे ही ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, ख़ुशी जो ॾींहुं। बिल्कुलु सर, ख़ुशी जे ॾींहं खे अञा वधीक असीं सेलिब्रेट कंदासीं 23 मार्च, ऐं उन हवाले सां सुबुह जे आवाज़ में असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी आहे। पर हींअर वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पहिरियां असां सां प्रोग्राम में जिन तावन कयो आहे उन्हनि ब्रांड्स जा नाला ज़रूरु मां हिते खणंदी हलंदमि, त टेंग रमदान असां सां गॾु तावन कयो आहे, उनखां अलावा जेस बैंक गोल्ड फाइनेंस असां सां तावन कयो आहे, टपाल मेज़बान सौ जबालो, उनखां अलावा 4ME सोप, लाइफ बॉय शैम्पू, अंसरी रेजिडेंसी महरान, बचत पेक पारां असां सां तावन कयो वियो आहे। मिलूं था नंढड़े ब्रेक खां पोइ कारे नवनि जो स्टैचू दास। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाकिस्तान पे उतरे वो फजले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलकार कयूं था। 23 मार्च जे हवाले सां स्पेशल ट्रांसमिशन सुबुह जे आवाज़ में जारी आहे, ऐं हिकु तमामु बहितरीन पर्सनैलिटी हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे, तमामु मौज़ शख़्सियत आहिनि स्टूडियो में असां सां गॾु, त वेलकम कंदासीं उन्हनि खे। ब्रिगेडियर तारिक ख़लील साहबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जिन खे सितारे जुरत ऐं सितारे इम्तियाज़ सां नवाज़ो वियो आहे। अस्सलामु अलैकुम सर, वेलकम करते हैं आपको, और तहे दिल से आज के दिन के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। कैसे हैं सर? आपको भी मुबारक। थैंक यू सो मच। छाकाणि त व्यूअर्स, असां जॾहिं ब्रेक ते वियासीं उन वक़्तु असां इहा ई ॻाल्हि कई पई, तारिक असां सां गॾु मुज़फ़्फ़र शुजा साहबु आहिनि, ऐं नई महिमान साहबु सां बि इहा ॻाल्हि थी त पाकिस्तान जी तमीर ऐं तरक़ी जे हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, त मां सम्झां थी त इहो सुवाल मां तारिक साहब खां पुछणु ज़रूरी इन लाइ बि सम्झां पई, उन्हनि जी जेको लाइफ जो तजुर्बो रहियो आहे, ब्रिगेडियर आहिनि पाण, त सर पाकिस्तान की तमीर और तरक़ी की अगरि बात की जाए तो जब पाकिस्तान बना था या जब ये ख़्याल पेश किया गया था साहिब फ़िक्र अलामा इक़बाल साहब ने जिस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहा था, या फिर साहिब अमल कायदे आज़म कोई ले रहे, तो क्या वैसा पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं या फिर और ज़्यादा तमीर और तरक्की और हर चीज़ की ज़रूरत है हमें, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आपने हमें बुलाया। बात यह है कि 23 मार्च जो है ये दिन एकदम नहीं आ गया। बिल्कुल, पाकिस्तान बनने की तारीख शुरू होती है 1857 से। 1857 तक मुसलमानों की हुकूमत थी, चाहे नाम की थी, बादशाह मुग़ल बादशाह दिल्ली में था, उसके बाद जब ये रेबेलियन हुई, अंग्रेज़ उसको गदर कहते हैं, बगावत कहते हैं, हम जंगे आज़ादी कहते हैं, तो उसके बाद एक पीरियड है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव पीरियड, वो 1857 से लेके 1906 तक चला, जिसमें मुसलमानों की हालत ज़ार बहुत ख़राब थी, क्योंकि 1857 की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पे बहुत ज़ुल्म किया, हर बस्ती में, हर कस्बे में जितने रिलीजियस कोई स्कॉलर थे, उलमा थे, मौलवी थे, उनको पकड़ पकड़ के फांसियाँ लगाई गई, हर शहर में फांसियाँ लगाई गई, हत्ता कि दिल्ली में उस वक़्त आबादी 1.5 लाख होती थी, 80,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, सारे मुसलमान थे। तो 1906 में फिर पहले कांग्रेस की बुनियाद पड़ी, फिर मुसलमानों ने सोचा ढाका में
मुस्लिम लीग की बुनियाद पर। तो 1906 से ले के 1935 तक का सफ़र जो है सही। इसको कहते हैं पहला फॉर्मेटिव था, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। इसमें बड़े मसले मसाइल आए, मुसलमानों में इख्तलाफ बढ़े थे, कांग्रेस बहुत पैसा दे के जो मुसलमानों के अशराफिया के लीडरशिप थी उनको साथ में लाया हुआ था, और वो ये कहते थे कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है, जबकि मुसलमान जो है उस ज़माने में सर आगा खां सदर होते थे और दूसरे जो उस ज़माने के बुज़ुर्ग थे उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, मुसलमान एक अलहदा कौम है, इनका मज़हब अलहदा है, इनका रहन सहन हर चीज़ अलहदा है, और इसलिए कांग्रेस जो है वो इनकी नुमाइंदा नहीं हो सकती। और इख्तलाफात की वजह से बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब कायदे आज़म नाराज़ हो गए, लंदन चले गए, और वहीं उन्होंने कहा मैं नहीं आता। फिर 1935 में अलामा इकबाल के खुतबात बड़े मशहूर हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उठो, क्योंकि और उन खुतबात में उन्होंने तसव्वुर दिया पाकिस्तान का सही, कि ये जो इलाके हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है इनको अलहदा डोमिनियन स्टेट आज़ादी दे दी जाए, ठीक है ना। उस पर बड़ी मुखालफत होती रही, किसी ने कहा ये दीवाने का ख्वाब है, किसी ने कुछ कहा, जो हमारे आज इनके जो दादा थे गालबन ये हमारे मौलाना फजलुर्रहमान साहब के जमीयत उलमाए हिंद, वो बड़ी मुखालफ थी और कुफर का फतवा भी दिया कायद आज़म को, अलामा इकबाल को भी कुफर का फतवा दिया कि उन्होंने एक शिकवा एक नज़म लिखी थी, फिर उन्होंने एक जवाब शिकवा लिखी। क्या बात। तो 23 मार्च जो है ये पूरी जदोजहद का एक कल्मिनेटिंग पॉइंट समझ लें आ गया था। इसमें 1935-36 में जब 36 में जो इलेक्शन हुए थे, 37 में तो उसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, सिर्फ बंगाल में कुछ सीटें मिली थी जिससे एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, और जिसमें उस ज़माने में शेर बंगाल थे, हाजी फजलुल्लाह थे और सोहरावर्दी थे और कुछ लोगों ने मिलाई थी, लेकिन वह गवर्नमेंट हिंदुओं ने चलने नहीं दी थी, वो दूसरे मिला के लोगों को वो जैसे कोलिशन आजकल भी होती है ना, दो वोट इधर किए दो तो तोड़ वो तोड़वा दी थी। तो उस वक्त बंगाली जो लीडरशिप थी उन्होंने महसूस किया कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, और फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो 23 मार्च जो है उसका जो ड्राफ्ट है वो हाजी फजलुल्लाह साहब और सोहरावर्दी साहब इन लोगों की काविशों से तैयार हुआ था सही। और इसमें जो जो पॉइंट्स थे कि जो ईस्ट में या वेस्ट में जो मुसलमानों के मेजॉरिटी के इलाके हैं इनको सॉवरेन स्टेटस दे दिया जाए, इनको अलहदा डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। इस पर बड़ी मुखालफत हुई, कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी मुखालफत हुई, और 23 मार्च का जो है ना दिन बड़ा हिस्टोरिक इसलिए भी है कि 19 मार्च को एक बड़ा हादसा हुआ था, आपको शायद इल्म है या नहीं है सर, आप 313 खाकसार थे, तहरीक तहरीकी उनका हुकूमत के साथ टकराव हो गया लाहौर में और फायरिंग हुई जिससे गालबन 19 के करीब खाकसार जो है वो मारे गए, और पूरे
लाहौर में पूरे पंजाब में टेंशन थी। उस वक़्त जो ममदोट हुकूमत थी उन्होंने कायद आज़म से कहा कि आप ये जलसा ना करें, उस ज़माने की हुकूमत है। तो ममदोट ने कहा कि ठीक है, अगर ये इजाज़त नहीं देते तो हम जलसा मिंटो पार्क, उस ज़माने में ये मिंटो पार्क कहलाता था, तो मेरी ज़मीनों पे आ जाएं, हम वहाँ जलसा कर लेते हैं। लेकिन फिर इन्होंने इजाज़त मिल गई और कायद आज़म मेयो हॉस्पिटल गए, उन्होंने खाकसार जो ज़ख्मी हुए थे आयादत की, उनकी आयादत भी की और इस तरीके से मामलात को ठंडा किया। बहरहाल ये जलसा हुआ, करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। ये करारदाद इसलिए बड़ी अहम है कि इसने एक आपको मकसद दे दिया exactly. एक एम दे दिया कि जी आगे हमने करना क्या है। बिल्कुल, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान लेना है। सही। और ये हमारे उसके खद्दो खाल हैं, इस लाइनों में हमने चलना है। तो उस पर 7 साल में अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल से पाकिस्तान बन गया। बिल्कुल, आपको इलम नहीं है 1940 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान में बहुत टेंशन थी। तीन वजह से थी। एक तो ये थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और अंग्रेज़ जो है यहाँ से भर्ती करके, सही, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो फौज में तो पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही थी वहाँ भेज रहा था। तो 5 पॉइंट जो मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों के सामने रखे थे उस ज़माने में 1941 में, वो यही थे कि जी आप मुसलमानों को किसी ऐसे मुल्क में नहीं भेजेंगे मुसलमानों से लड़ने के लिए। सही। ये वायसराय के सामने तो गर्बन लॉर्ड जेटल होता था, उसके सामने ये पॉइंट रखे गए थे। फिर बाकी 4 पॉइंट थे, वो पॉलिटिकल थे, रिप्रेजेंटेशन के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, और जो 3 नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंस, इसमें उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी का ये थे। तो फसादात शुरू हो गए उस ज़माने में। लड़ाई ख़त्म हुई है 1945 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद सोल्जर्स वापस आना शुरू हो गए तो हिंदुस्तान में बिल्कुल सर, बात को यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। तो सुबुह जी आवाज़ में ब्रेक जो वक्त थी चुको है, तकड़ में माँ अगर नाला वठंदी अना सा 57 को प्रोग्राम में टेंग रमदान जेस बैंक गोल्ड फाइनेंस टपाल मेज़बान सो जबालो 4ME सोप लाइफ बॉय शैम्पू अंसरी रेजिडेंसी मेहरान बचत पेग डोंट गो अवे स्टैचू विद अस विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूवर्स, सुबह जो आवाज़ 23 मार्च के वाले स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ो बेहर अवं के भलीकार क्यों था कौम हमेशा जिंदा रहा जैसे तारीख़ से नज़र वजन तमाम बेहतरीन अंदाज में तारिक खलील साहब असें तारीख़ बुधा रहा हुआ, असो माजी बुधा रहा हुआ, तो बिल्कुल उन तरफ भी उन कंटिन्यू कहीं पर ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब जी इन खूबसूरत गाल के स्टार्ट कर पे अगर असं माहौल के चार चंड लगान लाइ वापस हलूँ था असा सा गड फैमिली जो ही हिस्सों हैं हाशिम हुसैन भा तो हाशिम हुसैन भा हाँ अड़ो कड़ो कलम बुधाइन जैसा अना जोश और जज्बो अची वे तो खुशी जो डिड़ो है पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग तो एवरग्रीन जैसे बुधो जब हमने खुदा नाम लिया उसने हमें इनाम दिया मेरा पैगाम पाकिस्तान मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान मेरा इनाम पाकिस्तान
पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा ही नाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा कभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 वाह जबरदस्त तमाम खूबसूरत हाशिम भाउ तव्हां असां सभिनी जे जोश मां सम्झी विया हूंदो त असां केतिरो इंजॉय कयोसीं हिन मिली नगमे खे हिते ॿ लाइन्स आहिनि अलामा इक़बाल साहब जो चयल शेर आहे इस क़ौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती इस क़ौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की ख़ुदी सूरत फौलाद त असांजा जेके जवान आहिनि जेके बॉडर ते बीठा आहिनि उन्हनि खे असां सल्यूट पेश कयूं था अॼु ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे त असांजा उहे नौजवान जेके असांजे क़ौम जा हीरोज़ आहिनि उन्हनि खे बि असां सल्यूट पेश कंदासीं ऐं छाकाणि त मुज़फ़्फ़र साहब मां तव्हांजी तरफ़ ईंदमि ऐं क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो हिकु ख़्वाबु हुयो त असांजो जेको ख़ूबसूरत पाकिस्तान आहे उन जी तरक़ी तमीर उन जी तारीख़ ते त तमामु बहितरीन नज़र विझी ब्रिगेडियर साहब पर तव्हां कीअं था ॾिसो इन ॻाल्हि खे छाकाणि त हिकु अहिड़ा हीरोज़ बि असां वटि मौजूदु आहिनि जेके लिकियल आहिनि जीअं मां ॻाल्हि करे रही हुयमि नईम साहब ते असां हाणे हलिया विया आहिनि पर ब्रेक में पाण इन ॻाल्हि जो ज़िक्र करे रहिया हुआसीं त जेके स्ट्रीट चिल्ड्रन आहिनि उन्हनि खे उन्हनि पढ़ायो आहे ऐं उन्हनि खे उहे तरबियत ऐं तालीम ॾियनि पिया था त उहे बि असांजी क़ौम जा हीरोज़ आहिनि जेके लिकियल आहिनि त उन्हनि खे बि असां पंहिंजे हिन प्लेटफॉर्म तां सल्यूट पेश कयूं था वॾी ॻाल्हि त इहा त असांजा जेका पाक फ़ौज आहे असां उनखे वधीक ख़राज तस्वीर पेश कयूं था ईअं न त इन करे न त ब्रिगेडियर साहिबु असां वेठो आहे पर असांजी दिलि त तमामु घणी ख़ुशि आहे वजह इहा आहे त असां नंढा हूंदासीं जॾहिं तव्हां त हाणे नंढा आहियो पर 1965 जी जेका जंग लॻी त हुन में असां नंढा ॿार हुयासीं त हुन में ऐलान थियो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान त हिकु टेडी पैसे में हिकिड़ी टैंक ख़रीदियूं पियूं
टेडी पैसो टेडी अगर पैसा हों टेडी पैसा हों टको आनो चार आना बहाना अड़े नमूने से सिक्को हों उन्हें टेडी पैसे में एक टैंक खरीद गए अस गोठ में एक नंढड़े पीरबख्श जिला के गोठ में अस सत्रह अठारह वी छोकर तकरीबन बारह आना कुछ पैसा जमा किया यो जज्बो हों पाकिस्तान जो बारह आना कुछ पैसा जमा कर अस मुख्तियार कार करते असफा पाकिस्तान खदमत तमाम जबरदस्त बचपन में अड़ी शूँ करें वही इंतहाई खुशी मिली है। ब्रिगेडियर साहब अगर देखा जाए तो अपने बचपन में इस तरह की जो चीज़ें कर रहे होते हैं कि पैसे कलेक्ट करके जैसा इन्होंने आगे पहुँचाए और पाकिस्तान के लिए हमने ये जमा की तो कितनी खुशी होती है। आपने अपने बचपन को इस दिन की मुनासिबत से किस तरह सेलिब्रेट किया, मैं आगे हाशिम भाई से भी ये पूछूंगी और मुजफ्फर भाई से भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्योंकि बचपन जो होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है और इस तरह के जो हमारे दिन होते हैं वो अभी तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेकिन बचपन का वो अंदाज ही निराला होता है। आप अपना जो है हमें बताएं। देखिए हमारा बचपन तो बड़ा मुश्किल में गुजरा सही क्योंकि पाकिस्तान बना है 1947 में और हमारा बचपन जो था ना हम स्कूल में थे अलीगढ़ में दाखिल हुए क्योंकि उस ज़माने में स्कूल नहीं होता था पंजाब में भी कोई सही। तो हमें हॉस्टल में भेज दिया गया अलीगढ़ और फसादात शुरू हो गए और वो बचपन जो हमारा हमने देखा है तो वो तो बड़ा मुश्किल वाला बचपन था और फिर जब पाकिस्तान बना है तो मेरे वालिद जो थे उस वक़्त वो भी आर्मी में थे मेजर उस वक़्त वो कैप्टन थे सही। तो वो एक स्पेशल ट्रेन लेके कलकत्ता से पिंडी आए और वो पूरा रास्ता हमें बचपन याद है कि खिड़कियाँ बंद करो बाहर नहीं देखना और ये हमारा बचपन था। लेकिन 1947 के बाद फिर एक नया दौर शुरू होता है, उस दौर में स्ट्रगल भी है और हमारे स्कूलों में फिर वो ये जो 14 अगस्त के नाते से प्रोग्राम होते थे फिर 23 मार्च का शुरू हुआ क्योंकि 23 मार्च की बड़ी अहमियत है इसलिए कि ये जैसे मैंने पहले कहा था कि इसने एक हमें मकसद दिया था बिल्कुल और उस मकसद को हासिल करने के लिए फिर उस वक़्त जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी और उन्होंने बड़ी कोशिश की और पूरी मुखालफत सबकी मुखालफत अंग्रेज़ों की मुखालफत कांग्रेस की मुखालफत मुल्लाओं की मुखालफत सही और दूसरे तबकात जो थे उनकी मुखालफत उसके बावजूद एक पॉलिटिकल स्ट्रगल से पाकिस्तान हासिल किया। तो चाहे आज बांग्लादेश है या पाकिस्तान है दोनों का ये दिन अहमियत का दिन है। अगर ना 23 मार्च होता तो ना बांग्लादेश भी नहीं होना था, बांग्लादेश की वजूद ही 23 मार्च की निस्बत से है क्योंकि पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश बना कंबाइंड जिद्दोजहद थी वरना अंग्रेजों ने या हिंदुओं ने बंगाल की तकसीम नहीं होने दी। 1906 में ये तकसीम हुई थी लेकिन इतनी मुखालफत हुई कि 1912 में अंग्रेजों को वो तकसीम कैंसिल करनी पड़ी। तो हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे नौजवान हैं मुझे अफसोस होता है कि उनको कोई एजुकेशन नहीं है इस दिन के बारे में। कल ही मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था एक चैनल का, वो लोगों से पूछ रहा था लाहौर में और सिंध में और पिंडी में कि जी 23 मार्च तो कोई कह रहा था जी इस दिन गांधी फौत हुआ तो कोई कुछ कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि 23 मार्च है क्या। कोई कह रहा था जी इस दिन कांग्रेस पार्टी हुई थी और कोई कह रहा था जी उस दिन। लोगों को जो नौजवानों को मेरा अपना ख्याल है हमारा मीडिया, मुझे बड़ा अफसोस है कि 24 घंटे सियासत के ऊपर प्रोग्राम करता है, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी करे जो नौजवानों को, वो सिंधी में भी प्रोग्राम हो, बलोची में भी हो, सरायकी में भी हो, ताकि सब जो क्योंकि जो गांव में या गोठ में या पंजाब में पिंड में या किली में फ्रंटियर में या उधर बलूचिस्तान में जो
बच्चा बैठा हुआ है या नौजवान बैठा हुआ है, वो अपनी जबान में समझता है, उसको दूसरी जबान समझ नहीं आती। थोड़ी बहुत तक उसको समझ आती है तो उर्दू आती है, लेकिन प्रोग्राम हमें करने चाहिए ताकि अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम हो भी रहे। अगर हम आज के दिन की मुनासिबत से देखें, आपसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और स्पेशल ट्रांसमिशन में इस तरह की बातें होनी चाहिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो व्यूवर्स साहिय जो वक्त हुआ है पर उनखा पे प्रोग्राम असा सतावन कयो आहे टेंग रमदान जेस बैंक गोल्डन फाइनेंस उनखा अलावा टपाल मेज़बान सौ जमालो फोर एवी सोप लाइफ बॉय शैम्पू अंसरी रेजिडेंसी महरान बचत पेक पारां असां सतावन कयो वियो आहे। सुबुह जो आवाज़ में 23 मार्च जे हवाले सां स्पेशल ट्रांसमिशन ईअं ई जारी आहे, पर वक़्तु थियो आहे शॉर्ट ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ ईंदासीं हाशिम भाउ, तव्हां रेडी रहिजो। तव्हांजे नंढपण जे हवाले सां असां ॼाणणु चाहींदासीं ऐं मुज़फ़िर साहब खां बि ज़रूरु ॼाणणु चाहींदमि, ऐं अगरि मूंखां केरु सुवालु कंदो त मां पंहिंजे बचपन जे हवाले सां बि ज़रूरु तव्हांखे नंढपण जे हवाले सां ॿुधाईंदमि त असां हिन ॾींहं खे कीअं सेलिब्रेट कंदा हुआसीं। सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूवर्स, सुबुह जो आवाज़ स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ो बेहर अवां खे भलीकार कयां थी। ही स्पेशली कुछ लाइनूं आहिनि असांजे नौजवाननि लाइ जेके तमामु घणी महिनत कनि था, न सिर्फ़ बॉर्डर ते बीह करे, पर जीअं मुज़फ़िर साहब सां मां ॻाल्हि कई त असांजा उहे नौजवान जेके लिखियल आहिनि उन्हनि खे बि हर हर मोटिवेट करणु असांजो क़ौमी फ़र्ज़ु आहे, त उन्हनि लाइ कुझु लाइनूं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। त इन्हनि लाइननि सां ई गॾु ई असां हाशिम भाउ जी तरफ़ हलूं था, ऐं तमामु घणो दिली तौर ते असां चाहियूं पिया त उन्हनि खां इहो मिली नगमो ज़रूरु ॿुधूं जेको बचपन नंढपण खां वठी आऊं ॿुधंदी आहियां ऐं तव्हां सभु ॿुधंदा आहियो सोनी धरती। त हीअ इन में हिकु दुआ बि आहे, त हलूं था हाशिम भाउ जी तरफ़। उनखां पोइ ब्रिगेडियर साहब सां गॾु आहिनि ऐं मुज़फ़िर साहब सां गॾु आहिनि, ऐं क़ाइदे आज़म पारां हिकु ॻाल्हि कई वई हुई त पहिरीं रियासत जॾहिं क़ाइमु थींदी त स्टार्ट में ई असां इहो विजन उन्हनि रखियो हुयो त इंसानियत जो एतराम कयो वेंदो। छा वाक़ई इंसानियत जो एतराम थिए पियो थो, उन जी तरफ़ ईंदासीं, पर पहिरियां हाशिम भाउ प्लीज़ ओवर टू यू। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप कदम कदम
कदम कदम पर गीत रे बस्ती बस्ती तेरा चर्चा नगर नगर पर मीत रे जब तक है ये दुनिया बाकी जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें बिल्कुल असानी धरती इं आबाद रहे एडी सोहनी धरती है पाकिस्तान जी जेतरी तारीफ़ कजे छाकाणत घट है केडो न खूबसूरत है पांजो पाकिस्तान पर कुछ शयूं अड़ी पाइन व्यूवर्स जेके काउंट थियन थियूं जी सफाई थी वही असांजे मुल्क में या वरी सेहत थी वही तालीम थी वही त इन्हनि सभिनी शयुनि ते अगर अॼोके ॾींहं ते असां न ॻाल्हायूं त इहा नाइंसाफ़ी थींदी असांजी पूरी जनरेशन जेका अचे पई थी जीअं सर ॻाल्हि कई त असांजी न्यू जनरेशन खे इहो बि इल्मु नाहे त अॼु खोड़ सारी ईअं न मां ओवरऑल ॻाल्हि नथी कयां पर काफ़ी असांजा अहिड़े न्यू जनरेशन आहिनि जिनखे ख़बर ई नाहे त अॼोके ॾींहं ते थियो छा हुयो त ब्रिगेडियर साहबु आपकी ओर आऊंगी लेकिन उससे पहले जो मैं एक सवाल छोड़ के गई थी आसिम भाई की तरफ हम चले थे सोनी धरती जब हमने सुना था तो मैंने ये कहा था कि कायदे आज़म ने पहले ही कहा था 11 अगस्त को अपनी तकरीर में कि जो पहली रियासत कायम होगी वो सबसे पहले इंसानियत का एहतराम करेगी आप समझते हैं इंसानियत का उतना एहतराम हो रहा है आज देखें पाकिस्तान में तो हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान 1947 से अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल और इसमें जो जुल्म हुआ है वो पाकिस्तान के साथ हुआ है शुरू से क्योंकि जो हिंदुस्तान में कांग्रेस के लीडर थे उस ज़माने के जिसमें प्रोमिनेंट जवाहरलाल नेहरू और वली भाई पटेल थे उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा और इसीलिए पूरे मुल्क में फसादात करा दिए गए मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इसने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आई उसने हमेशा अमन की बात की उन्होंने हमेशा ये बात की कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए और जो कायदे आज़म ने तसव्वुर दिया था और जो गांधी का तसव्वुर था वो ये था कि हिंदुस्तान भारत और पाकिस्तान दो रियासतें ऐसे रहेंगी जैसे कनाडा और अमेरिका है एक दूसरे के साथ रिश्तों में बंधे हुए कोई वीज़ा नहीं आना जाना सब खुला रहेगा और अपने अपने मुल्क में तरक्की करें लेकिन जो आरएसएस थी उस ज़माने में और एक सरकार एक साहब थे उनका तसव्वुर 1925 से यही था हिंदुवाता का लेकिन 1925 से 1947 तक उन्होंने आज़ादी के लिए कोई एफर्ट नहीं की क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे तो हमारी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी जो हमारा एम है वो है कि हिंदुस्तान में हिंदुवाता की हुकूमत आए तो जुल्म तो मुसलमानों पे हुआ है मुसलमानों ने उन पे जो मुसलमान तो अपने दिफा में लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं आप देखें ना इस वक्त पाकिस्तान के चारों तरफ साजिशें हो रही हैं बाहर भी अंदर भी और अंदर अपने भी कर रहे हैं क्योंकि बाहर से जो ताकतें हैं
जो ये समझती हैं कि पाकिस्तान उनके रास्ते का रोड़ा है, इसको हटाना चाहिए, तो वो चाहे वो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सारी ताकतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लगी हुई हैं। तो जुल्म तो इंसानियत का हमारे ऊपर। जी मजरत के साथ आपकी बात जो है बीच में से इसलिए काटी मैंने, क्योंकि जैसा कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात आ गई तो मेरे जहन में फ़ौरन यही आया कि पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुज़फ़्फ़र साहब अगर ॾिठो वञे त गवर्नमेंट जे त इहो फ़र्ज़ आहे, उनजी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे त उहो असांजी तइलीम हुजे, सिहत हुजे, या वरी जिते जिते असां ॾिसूं था कचरो ढेर लॻल आहे त गवर्नमेंट जी इहा हिकु अलॻि ज़िमेवारी आहे। पर हिकु आम शहरी जी हैसियत सां असां सभिनि जी मिली करे कहिड़ी ज़िमेवारी आहे, असां पंहिंजो फ़र्ज़ जेको आहे कहिड़े नमूने सां निभायूं, छाकाणि त मां यूनिवर्सिटीज़ जो कंहिंजो नालो न वठंदमि पर वॾी वॾी यूनिवर्सिटीज़ में बि तव्हां गवर्नमेंट जी ॾिसंदो त कचरो पियो आहे, किथे कचरे जा ढेर लॻल आहिनि। सफ़ाई, सिहत, तइलीम असांजी इहे बेसिक नीड्स आहिनि ऐं असांजो गवर्नमेंट जी त ज़िमेवारी आहे ई, पर असां इहो जेको आहे हक़ था रखूं त असांखे साफ़ सुथिरो माहौल मिले। आम शहरी जो हिन में कहिड़ो किरदारु हुजणु घुरिजे? ॾिसो त असांजो मुल्क जेको आहे अलाह ताला जी तरफ़ खां असांखे हिकिड़ी गिफ्ट मिली आहे। बिल्कुलु। ऐं इन गिफ्ट खे संभालणु असांजो कमु आहे। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहबु ईअं कोन चयो त भई तव्हांखे मां मुल्क ॾियां थो त तव्हां इन में हर शइ ख़राबु कयो। तव्हांखे यादि हूंदो त कराची जेका आहे कंहिं ज़माने में क्वीन ऑफ द एशिया कहलाती थी। बिल्कुलु। क्वीन ऑफ द एशिया मतिलबु एशिया में अहिड़ो शहरु कोन हो जहिड़ो कराची शहरु हुयो। उनखे पोइ असां थोरो पाण असां ज़िमेवारी कोन निभायूंसीं। हालांकि मुल्क जी हैसियत अहिड़ी आहे जो मां चवां थो, छो जो मां बेसिकली मां मैरीन इंजीनियर रहियां त मां सॼी दुनिया घुमी आहे, 93 मुल्क घुमिया आहिनि। पर जहिड़ो मुल्क असांजो सुठो पाकिस्तान आहे, मां ईमानदारी सां चवां थो अहिड़ो पूरी दुनिया में को मुल्क कोन्हे। पर पोइ असां में जेके माशरती इख़लाकियाती ज़िमेवारियूं असां उहे इंसान असां पाकिस्तान कोन था पूरो कयूं। हालांकि पाकिस्तान असांखे हर शइ ॾिनी आहे। पाकिस्तान असांखे इज़त ॾिनी आहे, मान ॾिनो आहे, शान ॾिनो आहे, मुल्क ॾिनो अथई, मिटी ॾिनी अथई, ज़मीन ॾिनी अथई, पहाड़ ॾिना अथई, दरिया ॾिना अथई, सभु शइ ॾिना अथई, सभु शइ अलाह ताला चारई मौसम असां वटि आहिनि। लेकिन असां जेके बेसिकली असां पाकिस्तानी आहियूं, उहे इनखे जेको संवारण जे बजाए असां उन में गंदगी ढेर हर जाइ ते कयूं था। इहा फर्दन फर्दन हर माण्हू ज़िमेवारी आहे त पंहिंजे घर खे साफ़ु करे। जेकॾहिं घर साफ़ु थींदो त मुल्क साफ़ु थींदो, मुल्क साफ़ु थींदो त असां दुनिया में तरक़ी कंदासीं। अलाह जी महिरबानी सां हाणे पाकिस्तान तरक़ी जे गामज़न आहे। हाणे ॾिसो त असां हवाई जहाज़ बि ठाहियूं था, टैंक बि ठाहियूं था, लेज़र गाइडेड मिज़ाइल बि ठाहियूं था। बिल्कुलु। त इहा असांजी ख़ुशकिस्मती आहे ऐं इहा असांखे ॿुधी ॻाल्हियूं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। असां जॾहिं नंढा हुयासीं पाक फ़ौज वञे पई हितां कराची खां ॿाहिरि रस्ते असांजे ॻोठनि खां वञे पई त असां बाक़ाइदे मानी पाणी खणी बीह पिया त असां पाक फ़ौज खे ॾियूं, मानी बि ॾियूं। ॾाढी ख़ुशी महसूसु पई थिए ऐं ख़ुशी महसूसु थियण खां पोइ हाणे जेको थोरो आहे थोरो असांजे सभिनी में फुकदान अची वियो आहे। असां हाणे इंडिविजुअलिटी ते घणो कयूं था पिया त मां वटि गाॾी हुजे, मां वटि सभु शइ हुजे, मां वटि हर हुजे, असांजा ससदान बि अलाह उनखे ख़ुशि करे, बाक़ी उहो बि घटि कोन कयो आहे पाकिस्तान सां। उन्हनि बि पाकिस्तान खे तमामु घणो जेको आहे उहो कयो आहे। ॾिसो जीअं ब्रिगेडियर साहिबु चयो त ॿाहिरीं त दुनिया असांखे तबाह करण जी कोशिशि करे पई, कुझु अनासर असांजे अंदरि बि आहिनि जेके चङा फैक्ट खां त पाण डिनाई नथा करे सघूं, पर छाकाणि त अॼु ख़ुशीअ जो ॾिहाड़ो आहे ऐं जेके पॉज़िटिव गेसर पाण वटि मौजूदु आहिनि, पॉज़िटिव शयूं आहिनि, मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे उनखे पाण वधीक हाईलाइट करे सघूं था। इहा ॻाल्हि तव्हां सही आहे, असांखे करणु खपे, हाईलाइट करणु खपे, छो जो पाकिस्तान जीअं असां चयोसीं न त अलाह जे तरफ़ां असांखे हिकु गिफ्ट आहे, गिफ्ट आहे, हिनखे संभालणु खपे। बिल्कुलु बिल्कुलु सर, असांखे सोशल मीडिया ते बि तमामु घणो एप्रिशिएट कयो पियो वञे त आऊं तव्हां सभिनी जी थुराईती आहियां जेके असांखे सोशल मीडिया जे थ्रू एप्रिशिएट कनि पिया। अच्छा, जेके असांजा व्यूअर्स, जेके असांजा पाकिस्तानी, जेके असांजा फैमिली मेम्बर्स, मां उन्हनि खे चवंदी आहियां तव्हां असांजे घर भाती आहियो त जितां जितां असांखे ॾिसो पिया था जेके बि असांजा प्यारा पाकिस्तानी, त तव्हां नंढपण खां वठी हिन ॾींहं खे कीअं सेलिब्रेट कंदा आहियो, पंहिंजो पंहिंजो तजुर्बो असां सां बिल्कुलु मैसेजिस जे थ्रू सोशल मीडिया ते जेको आहे शेयर करे सघो था। ऐं गॾो गॾु जीअं मां ॻाल्हि कई त अगरि
हाशिम भाउ तव्हां कीअं सेलिब्रेट कंदा हुया नंढपण में हिन ॾींहं खे, छाकाणि त ॿारनि खे वॾो जोश हूंदो आहे, पर इन सवाल जो जवाबु जेको आहे हाशिम भाउ खां अगरि ब्रेक खां पोइ वरितो वञे त केॾां बि न वञिजो, नंढड़ी साई खां पोइ हाज़िर थियूं था ऐं जल्दी वापसि ईंदासीं। पर गॾोगॾु मां जंहिं प्रोग्राम में असां सतावन कयो आहे त उन्हनि जा नाला बि वठणु हिते ज़रूरी थी सम्झां। टेंग रमदान, जेस बैंक, गोल्ड फाइनेंस ऐं टपाल मेज़बान, सो जमालो, फोर एम ई सोप ऐं उनखां अलावा लाइफ बॉय शैम्पू, अंसरी रेजिडेंसी, मेहराण, बचत पेक पारां सां सतावन के व्यू आहे। सो काॾे न वञिजो, सुबुह जो आवाज़ में स्पेशल ट्रांसमिशन जारी आहे। वेलकम बैक व्यूअर, सुबुह जो आवाज़ स्पेशल ट्रांसमिशन में हमीदा रशीद अवांजी खिदमत में एक दफ़ो बेहर हाज़िर आहे ऐं छाकाणि त असांजी हिन ट्रांसमिशन में तमामु बहितरीन पर्सनैलिटीज़ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ब्रिगेडियर साहब पंहिंजे नंढपण जी ॻाल्हि कई त उन्हनि जो ॾाढो हार्ड गुज़रियो, त जल्दी जल्दी में मां सर खां पुछणु चाहींदमि, मुज़फ़्फ़र साहब खां बि ऐं तकड़ि में हाशिम भाउ तव्हां बि थोरो असांखे ॿुधाईंदा हलिजो, तव्हांजो नंढपण जेको आहे केतिरो सेलिब्रेट कयो तव्हां? अॼु मां घणो करे सचु पुछ त स्कूल जो टाइम हूंदो हुयो ऐं ओॾीमहिल मूंखे गीत ऐं टी वी प्रोग्रामनि जो वॾो शौक़ु हूंदो हुयो, त मां सॼी ट्रांसमिशन टी वी ते ॾिसंदो हुयुसि बचपन में। मुंहिंजो खेॾण जी तरफ़ हेॾो ध्यानु न हूंदो हुयो, पर स्कूल जी एक्टिविटी खां पोइ इहे जेका ॾियारा हूंदा स्कूल में का फंक्शन हूंदो हुयो या को प्रोग्राम तकरीब थियण खां पोइ मां सॼो ॾींहुं टी वी ते या जेके नेशनल सॉन्ग्स हलंदा हुया या जेके हुननि हवाले सां ॾींहं जी आवाज़ु थींदो हुयो, तमामु घणो मज़ो ईंदो हुयो। सही, मतिलबु तव्हां पाण बि गुनगुनाईंदा हूंदा, छो जो अॼु तव्हांजी हिन जंहिं स्टेज ते आहियो मां लॻे पियो त तव्हां गॾो गॾु पाण बि गुनगुनाईंदा ऐं तमामु इंजॉय कंदा हूंदा उन लम्हनि खे। मुज़फ़्फ़र साहब तव्हांजी तरफ़ ईंदमि मां, छाकाणि त मां पाण तइलीम सां वाबस्ता आहियां ऐं जेका मुंहिंजी फील्ड आहे मां सम्झां थी त जेकी असांजी न्यू जनरेशन आहे उन्हनि में न सिर्फ़ु अॼोके ॾींहं जे हवाले सां पर मोहबे वतन, जेतिरी वतन सां मोहबत जो जज़्बो हुजणु घुरिजे, छा तव्हां सम्झो था त ओतिरो मोहबे वतन आहे न्यू जनरेशन? इनशाला थी वेंदो, उमेदु अलाह खां नहारणु खपे, थी वेंदो। ऐं पर पोइ असांजा ॾिसा बि जेके किताब ठाहिनि था पिया उन्हनि खे थोरो ख़्यालु करणु खपे, त छो जो जीअं ब्रिगेडियर साहिबु चयो या तव्हां ॿुधायो त पाकिस्तान जे बारे में पुछनि पिया माण्हुनि खां, त हर को चए पियो त अॼु जो ॾींहुं अलाए छा जो ॾींहुं आहे, को चए पियो निंड जो ॾींहुं आहे। ऐं जेके नौजवाननि खे असांजे यंग जनरेशन खे इहा ख़बर न हूंदी त अॼु केॾो वॾो ॾींहुं आहे, जो हज़ारे असांजे मुसलमाननि जानियूं ॾेई करे इन जिदोजहद करे पाकिस्तान जे लाइ क़ुर्बानी ॾिनो, उनखे अॼु असां यादि करणु खपे ऐं उनखे न सिर्फ़ु यादि करणु ख़राज तहसीन पेश करणु खपे। अॼु त ख़ुशी जो ॾींहुं मल्हाइणु खपे, पर असांजे इन में थोरो गवर्मेंट जो फ़ुक़दान इहो आहे त उहो निसाबी जेके असांखे बेसिकली प्राइमरी निसाबु आहे या सेकेंडरी निसाबु आहे उन में असांखे पाकिस्तान जी हर उन सुठाई खे बयानु करणु खपे, ताकी असांजी न्यू जनरेशन खे ख़बर हुजणु खपे त असांजे पाकिस्तान में केॾी सुठी ॻाल्हियूं मौजूदु आहिनि ऐं उहे उन्हनि खां असां लादावा थी हाणे घणो करे थी विया आहियूं। ऐं इहो असांजे नौजवान खे सोचणु खपे त हीउ जेको पाकिस्तान आहे को इहो मामूली मुल्क कोन्हे, तव्हां ॾिसो सॼी दुनिया पाकिस्तान खां पाकिस्तान नालो ॿुधी डिॼंदा आहिनि। इन करे जो असांजो जेको जज़्बो आहे ईमान जो जज़्बो, असांजो ईमान जो जज़्बो एॾो आहे जो असां नारे तकबीर अलाह अकबर करे बाहि में बि घिरी वेंदा आहियूं। इहा अलाह साईं जी हिकिड़ी असां ते रहमत आहे, अलाह साईं जी असांजे एॾी वॾी महिरबानी आहे जो असांखे मुल्क बि ॾिनई, असांखे जज़्बो बि ॾिनो अथई, इस्लामी जज़्बो ॾिनो अथई ऐं सॼी दुनिया खे बीट करे सघूं था। बिल्कुलु असांखे जज़्बो हुजणु खपे त पाकिस्तान खे तरक़ी कराए। बिल्कुलु तमामु आला, तमामु ख़ूबसूरत। सर मुज़फ़्फ़र साहब ने करिकुलम की बात की तो मैं यहाँ पर अपनी राय देना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो निसाब है उसमें ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से जितनी होनी चाहिए वो है नहीं, ये मैं समझती हूँ। तो आपको लगता है कि करिकुलम में सर, क्योंकि हम अगर रिसर्च हम कर रहे हैं तो मैंने ये समझाया अभी तक रिसर्च के मुताबिक कि करिकुलम में उस तरह के स्पेशलिस्ट बैठे हुए ही नहीं हैं जिनको मतलब करिकुलम उस हिसाब से बनाना चाहिए, वो स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हुए हैं, और एज अ टीचर जो रोल होना चाहिए तो वो भी वो वहाँ पर नहीं निभा रहे हैं। तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारी बेसिक नीड है, हमारा हक है हमें अच्छी और बहुत ही फ्रूटफुल एजुकेशन मिले जिससे हमें फ़ायदा हो आगे, हमारी जनरेशन का फ्यूचर है ये। जी सर, मैं शिजरा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी ढाई साल से कोशिश हो रही है एक करिकुलम,
लेकिन बुनियाद जो है वो प्राइमरी से एग्जैक्टली बच्चा है अब हम छोटे से थे हमारे रेन में डाल दिया गया कि पाकिस्तान बनना है तो गली गली शोर होता था उस जमाने में तो आज जो बोर्ड में बच्चा बैठा हुआ है शहर में बैठा हुआ है उसको जब तक बिल्कुल सही बात कोई नहीं पता है तो वो क्या बताएगा इसलिए हमें एजुकेशन जो है वो दो टीयर्स पे करनी है उस्ताद की भी तरबियत और आगे फिर बच्चों की सही और बच्चों के जो करिकुलम है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उसको रिवाइज होना चाहिए और शुरू से बच्चों को पता होना चाहिए मुझे याद है मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सुना प्लीज सर कि हम 1988 में यूनाइटेड नेशन लीग डेलीगेशन के साथ गए तो वहाँ पे जो एम्बेसडर थे हमारे यूनाइटेड ने उन्होंने हमें डिनर दिया डेलीगेशन को तो वहाँ मुझे एक खातून मिली सही तो मैंने समझा वो अमेरिकन है स्कर्ट में थी और अंग्रेजी भी वो अमेरिकन लहजे में बोलती थी सही। लेकिन बातों बातों में पता लगा कि वो मुझे जब कहने लगी कि आपको अपनी ज़मीन की कदर नहीं है वो कहने लगी कि मुझसे पूछें कि ज़मीन की कदर क्या है क्या तो फिर उसने अपना तारफ कराया वो ज़ाहिर शाह की भतीजी थी किंग ज़ाहिर शाह की सही। और वो अफगानिस्तान से भाग के दरबदर होके अमेरिका में बैठी हुई थी तो वो कहती आपको पता ही नहीं है कि जो पैर के नीचे ज़मीन है इसकी कदर क्या है क्या बात तो बात यह है कि ये बच्चों को जब तक उनके जेहन में नहीं बताएंगे कि ये जो ज़मीन है बिल्कुल इसकी कदर क्या है कदर क्या जिस पे आप खड़े हो वरना तो आपको देखे ना हिंदुस्तान का क्या नुकसान नज़र है कि मुसलमानों को ख़त्म ही कर दो और हिंदुस्तान में या भारत में जो इस वक्त हो रहा है जो उन्होंने नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया है सिटीज़न एक्ट बनाया है वो यही है कि आस्ता आस्ता मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया जाए जैसे स्पेन में हुआ था तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से बहुत मजबूत है बिल्कुल। और दुनिया में आप इसकी बात सुनी जा रही है लेकिन हमें इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है बिल्कुल। और ये 23 मार्च जो है ना तजदीद अहद का दिन है हम सबको आज के दिन ये अहद करना चाहिए ठीक है हमारे अपने इख्तलाफात कोई भी हों लेकिन जो हमारा एक कौमी एम है या नुकता है नज़र है वो एक होना चाहिए बिल्कुल। उसमें नहीं है बाकी इनका अपना मेरा अपना है सबका अपना नुकता नज़र होता है क्योंकि हर इंसान अपने मेजरमेंट के हिसाब से वो बता रहा होता है सर क्योंकि तालीम की बात हो रही है तो मतलब एज अ सिटीज़न और एज अ स्टूडेंट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना हो सकता है कि अपने इस शो के ज़रिए हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन हमें देख रही है उनको ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि IEP जो टीम है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम की जो टीम है तो वो हर स्कूल में अगर होगी तो एक सिर्फ टीचर की ज़िम्मेदारी नहीं होगी मिलकर सबकी ज़िम्मेदारी होगी कि हम मिलकर अपने जितने भी चिल्ड्रेंस हैं उनको जो थोड़े से स्लो चल रहे होते हैं ना स्लो लर्नर होते हैं उनको बाकायदगी से लेके चले तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है क्योंकि आखिरी कुछ घड़ियां हैं हमारे पास और लास्ट में मैं जल्दी में चाहूँगी कि मुज़फ़्फ़र साहब आप थोड़ा सा लास्ट में तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हां छा था चवणु चाहियो कहिड़ो मैसेज था ॾियणु चाहियो असांजी क़ौम तव्हांखे ॾिसे पई थी असांजा पूरा पाकिस्तानी भाउर भेनर जेके सोशल मीडिया जे ज़रिए असांखे ॾिसनि पिया TV चैनल्स ते ऐं जेके पाकिस्तान खां ॿाहिरि आहिनि कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदो उन्हनि खे मैसेज त इहो आहे त मुंहिंजी जेका पंहिंजी ज़ाती ख़्यालु आहे त माण्हू खे ईमानदार हुजणु लाज़मी आहे बिल्कुलु ऐं जेकॾहिं ईमानदारी हूंदी त पोइ असां ईमानदारी सां सोचींदासीं त असांजो मुल्क केॾो वॾो सुठो आहे जंहिंजी असां ख़िदमत कयूं छो जो मां पाण टिप ऑनेस्ट रहियो आहियां ऐं मुंहिंजी इहा हमेशह कोशिशि रही आहे त मुल्क तरक़ी करे पाकिस्तान तरक़ी करे मूंखे सऊदी अरब में अमेरिका में ऐं दुबई में नौकिरी मिली मां उते नौकिरी न कयमि मुंहिंजो इहो ज़ाती ख़्यालु आहे त मां पाकिस्तान वञी ख़िदमत कयां अलाह साईं मौक़ो ॾिनो मां MLA थियुसि MPA थियुसि
पर मुझे यो पांच भाई के यो पैगाम आया तो इन पाकिस्तान के लाक घट में घट भी उन तक तो कलाक चौवी कलाक में पाकिस्तान के लिए सोचो तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की कर लो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल सर आपकी और आऊँगी मैं लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी जितनी भी बातें थी हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सब देखिए मेरा तो मैसेज ये है कि बासियत कौम हमने अपने बच्चों को नौजवानों को और जो आगे बढ़े हुए हैं उनको तीनों तबकों को एक ही पैगाम है कि बच्चों को सिखाना है कि ये तजदीद अहद है और नौजवानों को बताना है कि कितनी स्ट्रगल से ये बना है बिल्कुल बिल्कुल और बड़ों को ये बताना है कि भाई इसको संभालो संभालो क्योंकि अगर आप संभालेंगे नहीं तो ये मिट्टी जैसे हाथ से निकल जाती है ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। और बड़ा ज़रूरी है कि आप दो चीज़ों पे करें एक बर्दाश्त करना सीखें दूसरों को एक दूसरे को बासियत कौम और दूसरा कनात करना सीखें पैसे की कमी नहीं है आप 100 रुपए में भी गुजारा बिल्कुल बिल्कुल हमारे बुजुर्ग जो थे वो पैसे की कमी नहीं थी लेकिन वो बिल्कुल जाया नहीं पैसा होने देते आज पैसा नहीं है लेकिन हम जाया बहुत करते हैं जाया बहुत करते हैं सही तो ये हमें कनात करनी चाहिए उसके अंदर रहना चाहिए देखें हजूर का फर्म का हदीस में भी है कि कनात करो तो बरकत आ जाती है क्या बात तो बरकत उसी वक्त आती है जब हम मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं करूँगा 80 रुपए खर्च करूँगा 20 रुपए बचाऊँगा तो फिर ये कौम देखें उठ जाएगी क्या बात है थैंक यू सो मच सर बहुत ही आला मैसेज आप दोनों की तरफ से हमें मिला और इन खान अलावा नई मेहमान साहब व्यूअर्स असा गंद मौजूद हुआ ट्रांसमिशन जो वक्त पानी पुजानी ते पोतो आए सुबह जे आवाज़ में स्पेशल ट्रांसमिशन में हमीदा रशीद के आवाज़ टीवी जी पूरी टीम के दींदा इजाज़त इनशाला जिंदगी रही त वरी मुलाकात कंदासी इन लाइनन सा मां तवा खा मोकलानी चाहिंदम अब कर्ज़ हम पर मिट्टी का अब कर्ज़ हम पर मिट्टी का इस मंजिल का इस धरती का तकदीर करें तदबीर करें आओ वतन तमीर करें तो इन लाइनों से तो सभी का मां खुदाफिस चवण चाहिंदम दुआओं में याद रखो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वरी अवां जी खिदमत में हाजिर थी वो लास्ट में एक वरी मिली नगमो थी वे हाशिम भाजी तरफ हलंदी थैंक यू सो मच सर आपने हमें ज्वाइन किया थैंक यू सो मच तुम गड हुआ प्लीज सर ओवर टू इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया हो अल्लाह हो किसी
सरोवर में बढ़ने का अरमान दिया, बढ़ने का अरमान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह Yeah.